हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसडी चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कोई भी हमारी पुरानी कंपनी के अंदर हम लोग कोई भी नए यूज़र को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम जब भी कोई कंपनी को ओपन करते तो हमें यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड होता है, या तो फिर हम लोग आईडी पासवर्ड रखते ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा टेली ओपन हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर अलग अलग यूज़र है, तो हर एक अलग अलग यूज़र को अलग अलग नाम से उसको लॉगिन देना है और अलग अलग यूज़र वाइज उसको सिक्योरिटी लेवल देना है कि कोई सेल्स का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो पेमेंट और रिसीप्ट का ट्रांजेक्शन ना कर पाए, और कोई जो मेन अकाउंटेंट पर्सन है वो कोई अल्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सके, मतलब मास्टर क्रिएट नहीं कर सके, मास्टर अल्ट्रेशन नहीं करे, मतलब अलग अलग यूज़र वाइज। अगर आप चाहते हो कि मुझे हर एक अलग अलग यूज़र वाइज अलग अलग सिक्योरिटी सेट करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग यूज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, और यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन इनेबल करना होगा, और आपको यूज़र के हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा। फर्स्ट क्या करना होगा, हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी यूज़र को आप अलग अलग राइट्स देना चाहते हो तो आपको उतने यूज़र बनाने पड़ेंगे, फिर आपको उसका सिक्योरिटी लेवल बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको सिक्योरिटी राइट्स देना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़र को ऐड कैसे करना है, और ऐड करने के लिए आपको टेली के अंदर कौन से ऑप्शन को चेंज करना है। तो इस लेवल, अगर आप मल्टी यूज़र कम यूज़ कर रहे हो और आपके पास 5-6 टेली यूज़र है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि दूसरे यूज़र जो नए फ्रेश यूज़र है उससे कुछ गलती हो जाती है, उसको क्रिएशन करने में कुछ गलती हो जाती है, उससे कोई ट्रांजेक्शन अल्ट्रेशन हो जाता है या फिर ट्रांजेक्शन डिलीट भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ ना हो, इसके लिए यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल करके एक फैसिलिटी आती है टेली के अंदर, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपको देखना होगा। तो फर्स्ट आपको जो ये वीडियो है उसमें को यूज़र कैसे ऐड करना है वो चीज़ सिखाऊंगा। सेकेंड वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कराऊंगा मैं आपको एंड टाइम पे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़र ऐड कैसे करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आपकी पुरानी कंपनी है इसको आपको ओपन कर लेना है। आपको कंपनी इन्फो में जाना है। कंपनी इन्फो में देखोगे तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंट्रोल करके एक ऑप्शन आता है, एक्चुअली यहाँ पे इनेबल नहीं है। उसका मेन रीज़न क्या है कि ये जो कंपनी है उसमें मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन नो रखा हुआ है। इसको पहले हमें यस करना होगा कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन पे जाके, और यहाँ पे आपको जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आपको आईडी पासवर्ड सेट करना होगा। जैसे आप ये आईडी पासवर्ड सेट करोगे ये रीलोड होगा, अभी आप देख सकते हो ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ये कंपनी के अंदर पासवर्ड होगा तो ही आपको ये ऑप्शन शो करेगा, विदाउट पासवर्ड आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है और यूज़र एंड पासवर्ड पे जाना है। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी लेवल, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिक्योरिटी लेवल आएगा, मैं आपको सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कितने सिक्योरिटी लेवल होते हैं, और उसके अलावा आप अलग अलग किस तरह से सिक्योरिटी लेवल क्रिएट कर सकते हो यूज़र वाइज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल क्या ले लेंगे, डेटा एंट्री, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं अकाउंट, यूज़र का नाम है अकाउंट, इसको हम लोग पासवर्ड भी सेट कर देते हैं। तो ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है, अभी मैं ये जो मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया है उससे हम लोग लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप डेटा एंट्री यूज़र से लॉगिन होगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं मास्टर के अंदर, जो मास्टर अकाउंट इन्फो जो हम लोग क्रिएट करते हैं, इन्वेंटरी इन्फो रहता है वो क्रिएशन भी यहाँ पे बंद हो चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो भी बंद हो चुका है, और हम लोग कुछ सेल्स ट्रांजेक्शन ओके। तो यहाँ पे भी तो अभी ये सारी डिलीट्स वगैरह की फैसिलिटी तो इनेबल है, लेकिन जो मेरा आगे का वीडियो होगा उसमें मैं आपको यूज़र वाइज, अगर समझ लो कि आप किसी एक पर्सन को पेमेंट और रिसिप्ट
की राइट्स ही देना चाहते हो कि वो पेमेंट और रिसिप्ट का ही ट्रांजेक्शन करे, सेल्स का भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ अल्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए, कुछ मास्टर क्रिएशन भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको उसका सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको किस तरह से राइट्स देना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन ये जो मेरा ये वीडियो था सिक्योरिटी लेवल का फर्स्ट वीडियो था, इसके अंदर आपको मैं यही बताना चाहता था कि आपको यूज़र ऐड कैसे करना है। इस तरह से जैसे मैंने अकाउंट का एक यूज़र ऐड किया, आपको जितने भी ऐसे यूज़र है उस हिसाब से आपको यूज़र ऐड कर देने हैं, और फिर आप जो मैं सिक्योरिटी लेवल आपको बताऊंगा उस सिक्योरिटी लेवल को उसके अंदर सेट करना है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, तो आप अपनी कंपनी के अंदर यूज़र वाइज ट्रांजेक्शन सेटअप कर सकते हो, रिपोर्ट सेटअप कर सकते हो, और मास्टर क्रिएशन का भी आप चाहे तो उस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। वो आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये था दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता था कि यूज़र ऐड कर कैसे करना है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि डेली के अंदर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हर एक बार जो जो नई चीज़ आएगी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि GST के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी नया अपडेट आता है तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर जितना अपडेट होता है उतना हमें भी अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जितने भी मेरे नए वीडियो आएंगे उसको अच्छी तरह से सीखें, और टेली में आप अच्छे से मास्टर हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।